फ्रेंड्स, आज मेरे शहर में एक नया मॉल खुला और मेरे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि आज उस मॉल में चलेंगे और इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, बड़े शौक से हम लोग उस मॉल में गए ताकि इंजॉय कर सकें। लेकिन उस मॉल में जाने के बाद ऐसा फील हुआ कि यहाँ आना बेकार रहा, या यहाँ मॉल वाली कोई फीलिंग्स नहीं है, यहाँ मॉल वाली कोई बात नहीं है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि मेरे दिल में सिर्फ एक ही सेंटेंस आ रहा था कि यह बस कहने के लिए एक मॉल है, या यह बस नाम मात्र का एक मॉल है। तो फ्रेंड्स, उस मॉल में तो मुझे कुछ नहीं मिला, बट आपको पढ़ाने के लिए मुझे एक टॉपिक जरूर मिला कि कई बार आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां आप कहते हैं यह बस कहने के लिए एक म्यूजियम है, या तुम कहने के लिए एक दोस्त हो, या तुम नाम मात्र का एक दोस्त हो, या वह बस एक कहने के लिए अध्यापक है, यानी उसके अंदर अध्यापक वाली कोई भी बात नहीं है, बस नाम मात्र का एक अध्यापक है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहें कि यह बस नाम मात्र का है, या यह बस कहने के लिए ऐसा है, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए इस बात को समझें। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम नथिंग स्पीक ऑफ या नॉट स्पीक ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कई बार इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए नथिंग स्पीक ऑफ और कई बार नॉट स्पीक ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। मेरा पहला एग्जाम्पल है, यह बस कहने के लिए मॉल है, यानी यह बस नाम मात्र का एक मॉल है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ मॉल वाली कोई फीलिंग्स नहीं है, बस नाम का मॉल है, इसके अंदर मॉल वाली कोई भी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम नथिंग स्पीक ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यह बस कहने के लिए मॉल है, तो आप कहेंगे दिस मॉल इज नथिंग स्पीक ऑफ। आइए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यह नाम मात्र का अजायब घर है, यानी इस म्यूजियम में कोई ऐसी खास चीज नहीं है जो म्यूजियम कहलाने के लायक हो, बस कहने के लिए म्यूजियम है, इसके अंदर कोई भी खास बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप कहेंगे दिस म्यूजियम इज नथिंग स्पीक ऑफ, यानी नाम मात्र का या बस कहने के लिए आप नथिंग स्पीक ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है ताकि मैं ये बात आपको समझा सकूं। मुमकिन है यह एग्जाम्पल्स देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आइए सबसे पहले ये देखें, उसके बाद मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जहाँ अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसे समझें। फ्रेंड्स, आप नथिंग की जगह पर नॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, तुम बस कहने के लिए दोस्त हो। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, यू आर नॉट अ फ्रेंड स्पीक ऑफ, यानी बस कहने के लिए आप नॉट स्पीक ऑफ का इस्तेमाल किए हैं। जैसा कि इस एग्जांपल को देखते हैं, यह बस कहने के लिए ब्रांड है, तो आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे दिस इज नॉट अ ब्रांड स्पीक ऑफ। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने पिछला एग्जाम्पल में आपको नथिंग का इस्तेमाल करके इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना सिखाया, और यहाँ पर मैं आपको नॉट का इस्तेमाल करके इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना सिखाया, तो हो सकता है कि आप सोचें कि कैसे पता चलेगा कि कब नॉट का इस्तेमाल करना है और कब नथिंग का इस्तेमाल करना है। यहाँ लिखा हुआ है यह बस कहने के लिए घर है, तो इसका ट्रांसलेशन मैंने दोनों तरीके से बनाया है, यानी आप इसको दोनों तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ बारीकी है जो आपको समझना होगा। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है दिस इज नॉट अ हाउस स्पीक ऑफ, और इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस हाउस इज नथिंग स्पीक ऑफ। अब आइए फ्रेंड्स, ये देखें कि आप नथिंग का कब इस्तेमाल करेंगे और नॉट का कब इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं जहाँ लिंकिंग वर्ब के बाद, यानी आपके सेंटेंस में आए लिंकिंग वर्ब जैसे इज आरम, वॉज वर, या शैल बी, विल बी, या हैव हैज, इनके बाद आपको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखना है, यानी कोई और वर्ड नहीं लिखना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इस लिंकिंग वर्ब के बाद एक नाउन आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर सिचुएशन ऐसा हो कि उस लिंकिंग वर्ब के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट न लिखना हो, यानी कोई अदर वर्ड्स न लिखना हो, तो आप वहां पर नथिंग स्पीक ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अपने सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं जहां उस लिंकिंग वर्ब के बाद आप कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं,
यानी कोई अदर वर्ड्स आप लिख रहे हैं, तो उस सूरत में आप नथिंग का इस्तेमाल न करें, बल्कि उस लिंकिंग वर्ब के बाद नथिंग के जगह पर नॉट लिखें और आप अपने सेंटेंस के लास्ट में स्पीक ऑफ का इस्तेमाल करें, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि अब ये बात आपको समझ में आई होगी। लगता है आप कंफ्यूज हैं, आइए लास्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि अगर आप कंफ्यूज हैं तो इस बात को पूरी तरीके से समझ सकें। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स लिखा हुआ है जिसमें एक सही है और दूसरा वाला गलत है। मैंने ये दो एग्जांपल्स इसलिए लिखा है ताकि आप इस डिफरेंसेस को समझ सकें। तो आइए फ्रेंड्स इस डिफरेंसेस को समझें। फ्रेंड्स जैसा कि मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉट स्पीक ऑफ या नथिंग स्पीक ऑफ को कैसे इस्तेमाल करना है, और मैंने अपने पिछले एग्जांपल्स में बताया कि अगर आप सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं जहां लिंकिंग वर्ब इजारम या वाजवर के बाद कोई अदर वर्ड्स लिखने को है या लिखना पड़ रहा है, तो उस सूरत में आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया गया है और यहां लिंकिंग वर्ब आर के बाद अदर वर्ड्स आए हुए हैं, तो इस सूरत में आप नॉट स्पीक ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, यानी उस लिंकिंग वर्ब के बाद आप लिखेंगे नॉट, उसके बाद वो अदर वर्ड्स लिखेंगे, फिर आप स्पीक ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल और लिखा है जो कि गलत है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मैंने लिंकिंग वर्ब लिखा है और लिंकिंग वर्ब के बाद मैंने कोई अदर वर्ड्स लिखा है, तो अगर सिचुएशन ऐसा हो आप कोई लिंकिंग वर्ब लिखे हैं और उसके बाद कोई अदर वर्ड्स लिखना है, तो फिर उसके पहले आप नथिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। आप यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं कोई एक ऐसा एग्जांपल लिखूं जहाँ लिंकिंग वर्ब के बाद कोई अदर वर्ड्स न लिखना हो, तो उस सूरत में आप नथिंग स्पीक ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिंकिंग वर्ब के बाद कोई अदर वर्ड्स नहीं लिखना है, इसलिए यहाँ पर नॉट के बजाय नथिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह डिफरेंसेस आपको समझ में आया। प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। फ्रेंड्स अगर वाकई इस कंसेप्ट को आप शानदार तरीके से समझे तो 4 सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में लिखें, 2 सेंटेंसेस नथिंग स्पीक ऑफ पर और 2 सेंटेंसेस नॉट स्पीक ऑफ पर, ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।